नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और आत्मविश्वास बनाए रखिएगा ताकि हम इस जो महामारी है, जो भी परेशानियां हमारे सामने हैं, उनसे लड़ सकें। चूंकि एग्जाम की स्थिति अभी नाजुक ही है, पर एग्जाम तो होंगे ही। अगर जून में नहीं होंगे तो जुलाई अगस्त में होंगे। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, एग्जाम्स के डेट की घोषणा कर दी जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। आज हम आप लोगों से स्ट्रेटजी पर चर्चा करने वाले हैं। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुछ लोग हैं जो 66 मेंस देने वाले हैं और कुछ लोग हैं जो 67 पीटी देंगे, क्योंकि चूंकि मेरिट 66 की बहुत हाई गई है और कुछ लोगों का जिन्हें उम्मीद थी कि हमारा हो जाएगा पर नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, इससे हार नहीं माननी है। 67th में पूरे जोश के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ तैयारी करके एक बार में फाइनल रिजल्ट पा लेंगे। इस पर हम बात करते हैं कि अब हमें जो अभी का समय चल रहा है मई का, हमें क्या करना चाहिए। तो जो 66 वाले लोग हैं, जो 66 मेंस दे रहे हैं, उनके लिए तो कोई किंतु परंतु की बात है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो 66 मेंस की ही तैयारी करनी है, तो वो तो मेंस का ही करेंगे। लेकिन जो 67th वाले हैं, उनके लिए भी मेरी पर्सनल सलाह रहेगी कि वो भी, बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी से तैयारी कर रहे हैं तो करते रहें, उसमें कोई हम बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन हम अगर जो लोग जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए सलाह है कि वो भी इस समय प्री और मेंस साथ लेके चलें। क्योंकि इस समय छुट्टियों का समय है, सारे लोग घर में कैद हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारा टाइम आपके पास अवेलेबल है, कुछ लोगों को छोड़ के जो किसी ऐसे जॉब में है, जो जॉब पे जिन्हें जाना पड़ रहा है, बाकी लोग फ्री है। अगर आप मिनिमम 8 घंटे भी पढ़ते हैं, मिनिमम बता रही हूँ, वरना ऐसे समय में अभी आपको 12-13 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये फ्री टाइम है, फिर भी हम एवरेज 8 घंटे का लेके चलते हैं। अगर आप 8 घंटे की तैयारी, 8 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, तो 8 घंटे में इस समय आपको 5 घंटे मेंस के लिए देना चाहिए और लगभग 3 घंटे प्री ओरिएंटेड। ये फिक्स नहीं है 5 घंटे 3 घंटे, इन्हें आप थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप तैयारी करिए। आप टॉपिक डिवाइड कर लीजिए, जैसे आपको क्या करना है, टॉपिक कैसे डिवाइड करना है, जैसे आपको हिस्ट्री का आधुनिक भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत, ये आपके प्री में भी पूछा जाता है बहुत सारा और मेंस में भी पूछा जाता है, इसको आप प्री और मेंस के आधार पर बांट लीजिए। मेंस पीटी, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं उसमें मेंस का भी नोट्स तैयार करें और अलग पेज में पीटी का नोट्स भी तैयार करते चलें। इससे क्या होगा, आधुनिक भारत जब आपका खत्म होगा तो आप मेंस लिखने की स्थिति में भी होंगे और पीटी की स्थिति में भी होंगे। जिसे अभी चूंकि देना नहीं है एग्जाम, तो पर डे एक क्वेश्चन अवश्य लिखें, एक क्वेश्चन अवश्य लिखें, ताकि आपके हाथ को लिखने की आदत बनी रहे। जब आप मेंस देंगे तब तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, पर अभी चूंकि प्री देना है पहले, तो मेंस के लिए फिर भी एक क्वेश्चन पर डे आप अवश्य लिखें। जैसे आधुनिक भारत का मैंने उदाहरण दिया, वैसे एक उदाहरण मैं करंट का देती हूँ। करंट में यहां फैक्ट पढ़ने होते हैं, तो आप फैक्ट्स तैयार कीजिएगा। यहाँ भी वो फैक्ट्स आपको यहाँ मेंस में भी काम आते हैं, आपको बीच बीच में देना ही होता है, तो फैक्ट्स तैयार करते रहिएगा। और यहाँ आप क्या करिएगा कि जो आप क्वेश्चन इस तरह से तैयार कीजिएगा, टॉपिक जो संपादकीय वगैरह होते हैं या जो इस तरह का आपको लग रहा है पेपर से या मैगजीन से, जो मेंस ओरिएंटेड है, उसके नोट्स आप यहाँ तैयार करें। मानते हैं कि ये करंट आपका पूरी तरह वहां काम नहीं करेगा, पर कुछ कुछ टॉपिक इस समय ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, तो उन्हें आप मेंस के आधार पर भी, कम से कम अगर यहाँ नोट्स नहीं भी बनाना हो मेंस के आधार पर करंट के,
तो करंट को पढ़ना अवश्य ही है, क्योंकि करंट कभी 2 महीने 3 महीने का नहीं पूछते, लगभग साल भर का करंट पूछ ही देते हैं। तो आपको अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है तो उसका नोट्स भी बना लें, बाकी कम से कम यहाँ संपादकीय आप अवश्य पढ़ें, मैगजीन का भी और न्यूज़पेपर का भी, और प्री के लिए फैक्ट्स जो है वो नोट करते जाए तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आप पॉलिटी के लिए भी कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लो राज्यपाल है, राज्यपाल पर मेंस में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आप पुराने पेपर देख लीजिए, मेंस का नोट्स तैयार कर लीजिए कंपाइल। प्री में राज्यपाल से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, उनकी उनकी योग्यता है, उनकी शक्तियां हैं, क्या क्या राज्यपाल के बारे में, उसे नोट्स करते जाइए। इस तरह आप प्री और मेंस को लेकर पढ़ाई करिए, डेली कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़िए। लोग कहते हैं कि 1 सब्जेक्ट को खत्म करके तब दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, पर मेरी पर्सनली मान्यता है कि आप 2 सब्जेक्ट कम से कम साथ में लेकर चलिए, 2 विषय। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये नहीं सोचिए हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तब हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री के साथ साथ आप कोई और एक सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, चाहे साइंस ले लीजिए, चाहे ज्योग्राफी ले लीजिए, जो आपका मन करे, या पॉलिटी ले लीजिए, उससे क्या होगा कि आप एक सब्जेक्ट से बोर नहीं होंगे और बहुत दिनों तक किसी सब्जेक्ट को मत खिसकाइए, जल्दी खत्म थोड़ा स्पीड के साथ भी पढ़िए और दोबारा पढ़िए। पढ़ने का क्या है, कैसे आपको ज्यादा दिन तक याद रहे, तो उसके लिए आप क्या करिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। आज हमने जो पढ़ा उसका आगे जो कल हम पढ़ेंगे उससे पहले हम आज वाला एक रीडिंग सरसरी रीडिंग ले लेंगे, फिर कल वाला पढ़ेंगे, फिर जब परसों वाला पढ़ेंगे तो इसकी रीडिंग यहाँ भी और फिर यहाँ भी, तब इसको पढ़ेंगे। इस तरह आपको रिवीजन करते रहना है ताकि आपको याद रहे, और संडे का या कोई दिन जो आपको सही लगे एक दिन निर्धारित कीजिए जिसमें आप नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं अधिक दिनों तक, बार बार रिवीजन करने से आपको हमेशा के लिए वो चीजें याद हो जाएंगी। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर आप पीटी और मेंस की दोनों की तैयारी साथ साथ करिए, क्योंकि अभी इतना समय है, केवल पीटी के लिए लगे रहना आपको पीटी से भी बोर भी कर देगा फैक्ट पढ़ते पढ़ते, और कहीं ना कहीं बाद में आपको कम समय मिलता है तो दिक्कत भी होती है। और अगर आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट को भी, अगर आप 8 घंटे से अधिक आपके पास समय है तो कम से कम 2 घंटे आप ऑप्शनल को भी दीजिए, ऑप्शनल के बेसिक तैयार कीजिए, बेसिक तैयार कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि जब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे प्रॉपर तो आपको बेसिक चीजें पता होंगी, तो बाद में जब कम समय रहेगा तो तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। या नोट्स तैयार कर लीजिए तो आप बाद में उन नोट्स को आराम से प्रैक्टिस में ला सकेंगे। तो ये काम आपको इस समय लॉकडाउन में करना है, किसके लिए, 67 पीटी के लिए। मैं अभी 66 मेंस जिसे देना है उसका तो निर्धारित ही है, क्योंकि उसे तो मेंस ही पढ़ना है, तो उसके लिए तो कुछ कहना नहीं है। इस तरह करिए, जो नोट्स बनाइएगा उसमें आप इस तरह हाशिया छोड़ दीजिएगा, या तो इधर या इधर, जहां भी आपका मन करे यहां तक लिखिएगा, इधर भी कुछ छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा पेज। क्या होगा कि जब बाद में आप दोबारा तिबारा पढ़ते हैं तो आपको मन करेगा तो यहाँ पे कुछ भी नोट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं जो करंट से रिलेटेड है उन्हीं में नोट होता है, आपका अगर हिंदी ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो उसमें भी जब आप बार बार पढ़ते हैं तो कई तुलनाएं आपको समझ में आती हैं, कुछ नया दिखता है कि ये भी होना चाहिए था इस प्रश्न में, तो आप उसको यहाँ या यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए नोट्स इस तरह बनाइएगा। तो आप लोग तैयारी कीजिएगा, जीएस का मैंने भी पॉलिटी का टॉपिक शुरू किया है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, या आपको किसी और का भी या कहीं भी, जैसे भी आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं कोचिंग ले रहे हैं, वहां से आप तैयार करिएगा। पर पढ़ने की स्ट्रेटजी इस तरह रखिएगा, इस समय सिर्फ पीटी मत पढ़िएगा, मेंस के साथ पीटी पढ़िएगा। तो आशा है आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा होगा। आप लिख, और जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए फिर वही सलाह
लिखते रहिएगा लिखते रहिएगा लिखते रहिएगा। धन्यवाद।